हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनीका। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी के साथ आज बोलेंगे जय कनाडी का, तो टॉप 5 कनाडा मूवीज़ जिसे हमारा बोलते हैं सैंडलवुड सिनेमा, वो कौन सी है ये जानना है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मूवी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट मूवी का जो मैं रिव्यू करूँगी उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि हम बोलते हैं भाई, कोई हमको आके दोस्त इनवाइट करता है कि हमारी शादी फिक्स हो गई, हम सबसे पहली चीज़ों से बोलते हैं तेरी ज़िंदगी ख़त्म। तो क्या शादी और मौत मतलब लिंक होता है? पर शादी का जो फंक्शन होता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारा खाना होता है, और ऐसा ही कुछ होता है जब किसी का फ्यूनरल होता है। और फ्यूनरल के बाद आपको पता है हमारे यहाँ कुछ ऐसे कस्टम्स है कि लोगों को खाना खिलाया जाता है बुला के। तो इसी पे मूवी आई थी तिथि। ये मूवी कनाडा में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी में मेन यही दिखाया था कि पूरे रिचुअल्स कैसे होते हैं। और सबसे मेन बात थी इस मूवी की कि इसमें जो तिथि थी फ्यूनरल, वो एक बंदा था जिसका नाम पूरा गाँव वाले बोलते थे सेंचुरी गौड़ा। अब उसको 101 साल की ज़िंदगी हो गई थी और उसके बाद कोई जाता है तो अच्छा ही मानते हैं। और ये पूरी कहानी जो है उसके मरने के बाद से 11 दिन, मतलब जो हमारी तिथि के दिन होते हैं और जो फ्यूनरल होता है उस दिन, उसके बीच में जो उसके 3 हैं मतलब बच्चे, यहाँ पे क्या है वो बहुत उम्र का दिखाया है, तो उसका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटा भी हो चुका है। और मतलब इतनी सारी 3 जनरेशन के लोगों का क्या रिएक्शन होगा उसके मरने पर, ये आपको पता चलेगा मूवी तिथि में। और साथ ही रिएक्शन के साथ आपको पता चलेगा कि नेचुरली मतलब लोगों का जो कल्चर है साउथ में, मतलब कर्नाटका में, वो क्या है, जब कोई एक्सपायर होता है तो कैसे रिचुअल्स फॉलो होते हैं, ये सब आपको मूवी में बहुत अच्छे से डिटेल में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मूवी रंगी थरंगा के बारे में। ये मूवी आपको एक हॉरर लगेगी, हॉरर के बाद ये आपको लेके जाएगी थ्रिल पे, और थ्रिल के बाद ये फाइनली बन जाएगी एक सस्पेंस मूवी। मतलब ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी और ऐसी स्टोरी तो सोच ही नहीं सकते, बॉलीवुड वाले तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। मूवी में मतलब अगर आपको देख के उसे गूज़बम्प्स नहीं आए तो मैं क्या बोलूँ, मतलब आपने मूवी अच्छे से देखी नहीं है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे हमारे इंदू को आते हैं डरावने सपने, तो लगता है कि मतलब ये हॉरर मूवी है। और फाइनली उसको लगता है कि उसे कोई पूजा पाठ की ज़रूरत है, और वो मैडम पहुँच जाती है कहाँ, उनके गाँव जहाँ पर बड़े बुजुर्ग पुरखों का घर है उनके, और साथ ही उनके हस्बैंड गौतम भी उनके साथ जाते हैं। पर क्या वहाँ जाके उनको ये पता चलेगा कि ये उन्हें बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, या ये कोई आत्मा का है, या यहाँ पे कोई एक ऐसा सस्पेंस छुपा हुआ है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये एग्जैक्टली आपको तब पता चलेगा जब आप ये मूवी देखेंगे रंगी थरंगा। और मूवी बहुत अच्छी है और इसकी रेटिंग तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मूवी की स्टोरी, सस्पेंस, सब कुछ थ्रिलिंग ही है। नशे की गोलियाँ हमको ले जाती है उस सपने की दुनिया में जो हम सोचते हैं या जीना चाहते हैं, और ये सपने सच तो हो नहीं सकते, पर सच क्या है, सच वही है जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं। और ये मूवी लूशिया हमको वही बताती है। मूवी लूशिया की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है जहाँ पे एक बंदा कोमा में है, और वो कोमा में क्यों है, कैसे है, ये सब तब पता चलेगा जब एक पुलिस का बंदा इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा और इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा, और पता चलेगा कि मूवी जो है पूरी निखिल और निक्की के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मूवी में इन दो लोगों का क्या मेन रोल है, मतलब क्या अहमियत है, और कौन सी दुनिया सच्ची है, निखिल की या निक्की की, या कौन सपने में है, ये सब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, और वो सब पता चल सकता है जब आप देखेंगे मूवी लूशिया। मुंबई क्या तेरे बाप का है क्या रे? नहीं रे, तेरे बाप का है और तेरा बाप मैं हूँ, तो वो मूवी है KGF चैप्टर 1। और ये मूवी अगर आपने आज तक नहीं देखी है तो तुमने साला घंटा ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, ये मूवी मिस कर दी, मतलब साला सब मिस कर दिया। मूवी में स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक 10 साल का बच्चा मुंबई आता है और पैसा कमाना चाहता है, बहुत गरीब जगह से है, और बड़ा होके 10 साल का बच्चा बनना चाहता है मुंबई का राजा, और वहीं वो डील कर लेता है एक विलन से, और उसकी डील रहती है गरुड़ा को मार डालना। और वो गरुड़ा कौन है? वो है उस कोलार माइंस का राजा। कोलार माइंस ये एक एक्चुअली सच्चाई, मतलब एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कर्नाटक का मतलब सदर्न पार्ट में एक कोलार माइंस है
जहाँ पे सोना हुआ करता था और पैसा इंसान को हैवान कैसे बना देता, ये इस मूवी में ज़रूर दिख जाएगा। तो वो गरोड़ा वहाँ के लोगों को पकड़ के उनसे बहुत बुरी तरह बिहेव करता है, उनको खूब मारता है, उनसे काम कराता है। और वही वो 10 साल का बच्चा जो राजा बनना चाहता है मुंबई का, वो है कौन? रॉकी। और वो रॉकी आके यहाँ पे रॉक ऑन करने वाला है। और वो रॉक ऑन करके कैसे सब बदलेगा वो देखना है तो KGF Chapter 1 अमेजॉन प्राइम पे ज़रूर जाके देखो। और जल्दी देख लो दोस्तों, क्योंकि इसका Chapter 2 रिलीज़ होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आपको मूवी अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी और इसे ज़रूर ज़रूर देखना। दोस्तों, हर किसी का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है किसी को देखने का, समझने का, पहचानने का। शायद आपकी लाइफ का जो हीरो हो वो किसी और की लाइफ का विलन हो। ऐसी ही कोई मूवी आई है और उस मूवी का नाम है उल्ली दबरू कंदनते। ये मूवी एक हर के मतलब एक नज़र पे बनी है, क्या बोले इसको, कि जैसे सोच आप किसी के लिए बना लेते हैं। अब मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे रेजिना नाम की लड़की एक जर्नलिस्ट है जो कि किसी मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर वो अकेले इसको कर ही नहीं पा रही है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब तरीका ढूंढे। तो ऐसे इस मूवी को कम से कम 6 एपिसोड या 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और उसमें वो हर एक बंदे से जाके मिलती है और पूछती है और इन्वेस्टिगेट करती है और स्टोरी का फाइनल क्लाइमेक्स पता चलता है। तो हर का एक नज़रिया दिखाया, एक सोच दिखाई, और सिर्फ नज़रिया ही नहीं था, एक इमोशन था, एक फीलिंग थी। मूवी बहुत ही सॉलिड थी और इस मूवी को नंबर 1 बोलना बिल्कुल बनता है। तो सैंडलवुड सिनेमा ने तो ये रॉक ऑन मूवीज़ हमको दी हैं 5, और मैंने आपको सच बताया है कि ये मूवीज़ कैसी हैं। इसी के साथ आप भी मुझे बिल्कुल सच बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको मूवी का रिव्यू कैसा लगता है और आपका नज़रिया क्या है मेरे लिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।